वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौशल विकास मिशन के निदेशक कुणाल सिल्कू ने सोमवार को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह के अलावा कौशल विकास मिशन से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौशल विकास मिशन के डायरेक्टर कुणाल सिल्कू ने मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय योजना तैयार करने, अभ्यर्थियों का मोबाइलाइजेशन और परामर्श प्रशिक्षण के बाद रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगार मेला लगाने तथा 50 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जिला कौशल समिति की महत्वपूर्ण भूमिका तथा उत्तरदायित्व होगा और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी का भी रोल रहेगा। तो जो सेंट्रल कंपोनेंट के ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे PMKY 3.0 में, उसको भी डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी मॉनिटर कर सकती है, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। रोल SSDM और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी का रहेगा और सपोर्ट में NSDC या सेक्टर स्किल काउंसिल जैसी भी आवश्यकता हो। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी और ट्रेनिंग पार्टनर का, और स्टेट कंपोनेंट में भी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी और ट्रेनिंग पार्टनर का रोल है। इसमें दोनों जगह NSDC सपोर्ट रोल में रहेगा। जो अब देखिए, यहाँ भी बहुत आवश्यक बात है, आवश्यक बात यह है कि अभी तक ये था कि ट्रेनिंग पार्टनर्स का हम 20% रुपया करते थे और ये कहते थे कि भैया तुम बच्चों की प्लेसमेंट लगवाओ तब तुम्हारा हम 20% पैसा जारी करेंगे। अब यहाँ पर ट्रेनिंग पार्टनर के साथ साथ में जिला स्किल कमिटी और SSDM का भी रोल डाल दिया गया प्लेसमेंट में। यह बच्चों को प्लेसमेंट कराने की जिम्मेदारी केवल ट्रेनिंग पार्टनर की नहीं है। अब ट्रेनिंग पार्टनर ये कह सकता है आराम से आपके रिटर्न कि भैया हम तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें स्किल कमिटी और SSDM सपोर्ट नहीं कर रहा है। गठन किया गया है रोजगार आयोग में, वैसे भी ये बिंदु है कि जो भी कौशल विकास के बच्चे निकल रहे हैं उन लोगों की रोजगार देने की जिम्मेदारी रोजगार आयोग की रहेगी। तो इसीलिए अब आप लोग को एक अपने जनपद का डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाया जाना पड़ेगा। अभी आप लोग मैं बता दूं जानकारी के लिए कि मिशन रोजगार बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, इसका जियो जो है ड्राफ्ट होके चला गया है सेक्रेटरी सर के पास साइन होने के लिए। तो जैसे साइन हो जाएगा तो अभी से लेकर और 31 मार्च तक मिशन रोजगार चलेगा। उस मिशन रोजगार में जो रोजगार आयोग के तहत चलाया जाएगा उसमें DMCO साहब चेयरमैन और को चेयरमैन है और इसके बाद जो हमारे सेवायोजन के अधिकारी है वो इसके मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। और इसमें ये रखा गया है कि 50 लाख हमको नौकरियां देनी है अभी से लेकर और 31 मार्च के बीच में 4 महीनों में। और ये मिशन रोजगार में हर किस्म के हर डिपार्टमेंट का कन्वर्जेंस किया गया है, उसमें मतलब आपके MSME इंडस्ट्रीज पशुपालन सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब में चाहे नौकरी कोई सी भी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, आउटसोर्सिंग की हो, संविदा की हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, कैसी भी जॉब हो, इन सारी जॉब्स को आप लोगों को इसका बाकायदा रिपोर्टिंग बना है फॉर्मेट भी और आप लोगों को इसमें रखा गया है कि DMCDOs इसमें हर 15 दिन पे इसका अपडेशन करेंगे और इसको ऑनरेबल CM सब खुद रिव्यू करेंगे मिशन रोजगार को। तो इसका भी अभी आप लोग पहले जारी हो रहा है, जल्दी आप लोग प्राप्त हो जाएगा, उसको भी देखिएगा आप लोग ध्यान से भी ये जिम्मेदारी रखी गई है जनपदों में। मैं बता दूं आप लोग को, मैंने संकल्प हम लोग स्कीम चलती है उसके लिए मैंने रोजगार मेले करवाने के लिए धनराशि का आवंटन करवाया है अपने सारे जनपदों के लिए। इसीलिए कोई भी जनपद हम लोग तो रोजगार मेले करवाएंगे ही अपने स्तर से जो हम लोग करवाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी स्किल कमिटी इनिशिएटिव ले और अगर आप लोग अच्छे रोजगार मिले चाहे जनपद स्तर पर या मंडल स्तर पर अगर आप चाहते हैं करवाना और आपको किसी तरह की धनराशि की अगर सपोर्ट है, अगर रिक्वायरमेंट है धनराशि की, आप लोग हम लोगों से मांगिए, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे।